Hello friends, in this video lecture we are going to discuss the next operating system service, which is number 7, which is called as get attributes, and it is also a system call which is implemented in the operating system known as Unix. If we go into the depth of this system call, we can say it is an inquiry, means it is a kind of question which is asked to the operating system to know about the status of processes. Means if an operating system is running number of processes, then this system call will be a kind of an inquiry to the operating system to know the status of a process in which operating system responds by providing operating system जो है वो हमें क्या करता है respond करता है by providing the current values, जो भी करंट वैल्यूज हैं हमारी किसी भी प्रोसेस की, दैट इज द करंट वैल्यूज ऑफ द प्रोसेस एट्रीब्यूट्स. और ये सारे प्रोसेस एट्रीब्यूट्स कहां स्टोर रहते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में. हर प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम किस में मेंटेन करता है, उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में. सो द ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्ड्स बाय प्रोवाइडिंग द करंट वैल्यूज ऑफ प्रोसेस एट्रीब्यूट्स फ्रॉम PCB, the process control block of the operating system. So this is normally the way to find out what the current attributes of the process are, because it neither knows where its PCB nor can access the protected system space where the PCBs are usually kept. So अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें, लेमन लैंग्वेज में समझें, तो ये क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ एन इंक्वायरी, जिसमें कि अगर हम इस कमांड को प्रॉम्प्ट करते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो क्या करता है अपने इंटरनल्स में जितनी भी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही हैं, उसमें किसी जिस प्रोसेस में हम ये इंक्वायरी देंगे, उस प्रोसेस की सारी जो वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज को उसके प्रोसेस एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में उसके पीसीबी से फेच करके बताएगा. जस्ट लाइक द टेक द एग्जांपल ऑफ टास्क मैनेजर. अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर को एक्सेस करते हो और उसके प्रोसेसेस वाले टैब में अगर हम जाते हैं, इफ वी गो इनटू द प्रोसेस टैब ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क मैनेजर, देन वी कैन से इट शोज अस द करंट स्टेटस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द नंबर ऑफ प्रोसेसेस व्हिच इट इज करंटली एग्जीक्यूटिंग बाय शोइंग देयर प्रोसेस आईडी, देयर मेमोरी लोकेशन, देयर यूजर एंड देयर सो मेनी थिंग्स. सो इट इज अ काइंड ऑफ एन सिस्टम कॉल और एन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस. एंड द लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस विच विल डिस्कस टूडे इज कॉल्ड एज चेंज प्रायोरिटी. चेंज प्रायोरिटी भी हमारा क्या है, एक तरीके से अगर हम बोले इनडायरेक्टली, इट इज अ इंस्टेंस ऑफ गेट एट्रीब्यूट सिस्टम कॉल. तो चेंज प्रायोरिटी भी हमारा है क्या है, एक टाइप की ऐसी ही प्रोसेस है जो गेट एट्रीब्यूट से काफी सिमिलर लगती है. पॉइंट टू बी रिमेंबर इज दिस कॉल इज नॉट इंप्लीमेंटेड, इस प्रोसेस को हम इस सिस्टम कॉल को सॉरी नॉट अ प्रोसेस इस सिस्टम कॉल को हम कहां इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. दिस कॉल इज नॉट इंप्लीमेंटेड इन सिस्टम्स वेयर process priority is static, where process priority is static. If in our operating system process priorities are static, its structure is like this, that is process priorities are static and it cannot be changed, then this change priority system call will not work there. So it is basically used with the operating system where process priorities are dynamic, and it is used for the runtime modifications, runtime modifications of
प्रोसेसेस प्रायोरिटी सो दैट इट कैन इंक्रीज और इफ नीडेड देन कैन डिक्रीज इट्स एबिलिटी एंड कंपीट फॉर द रिसोर्सेज विच इट वॉन्ट्स एंड फिनिश इट वर्क्स. सो दीज वर द लास्ट टू सिस्टम कॉल्स और दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज दैट इज गेट एट्रीब्यूट एंड चेंज प्रायोरिटी. सो दैट्स ऑल फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज विच वर यूज फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट और यू कैन से दीज ऑल वर द सिस्टम कॉल्स विच आर इम्प्लीमेंटेड इन यूनिक्स एंड we discuss all these system calls, all these operating system services along with their related system calls. Thank you for watching. If you have any query, then you can ask in our comment section and kindly subscribe us. Thank you.